लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है एक्स टू द पावर एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो या तीन मेथड डिस्कस करूँगा जिसकी हेल्प से बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे. उनमें से एक मेथड ऐसा भी होगा जिसकी सहायता से आप वन लाइन में इसका आंसर निकाल पाओगे. ठीक है, तो मेथड वन यहाँ पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे? मेथड वन. मेथड वन. ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स कैलकुलेट करूं तो वन लाइन में इसका मैं आंसर लिख सकता हूं. कैसे लिखूंगा? मैं वन लाइन में इसका आंसर लिखूंगा एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन गिविन है एक्स टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगा. ठीक है, तो वन लाइन में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर निकाल दिया. कैसे निकाल दिया? ठीक है, तो मेथड वन से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन के दो फॉर्मूले याद होने चाहिए. पहला फॉर्मूला कौन सा? अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है. d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है? यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है. ठीक है, हम a टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर x log e. ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है log का? e है. ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया रहा है तो e मान के चलते हैं. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का हमें ये मालूम होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ए क्या होता है. ठीक है, यहां पे ए क्या है? कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है. इसको भी हम जानते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का यही हम लोगों ने पढ़ा था. इसकी वैल्यू क्या होती है? a x टू द पावर a माइनस वन. ठीक है, अगर ये दोनों ही फॉर्मूले आपको मालूम है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे बाई यूजिंग मेथड वन इन ओनली वन लाइन. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें क्या करना है, x टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या x टू द पावर x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो, x टू द पावर x में जो बेस वाला x है, कौन सा? ये जो बेस वाला x है, दिस वन. सबसे पहले इस बेस वाले x को हम लोग कॉन्स्टेंट मान करके जो भी है x टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अगर इस बेस वाले x को आप कांस्टेंट मान के विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला नंबर वन यूज होगा. और हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x टू द पावर x log x. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x टू द पावर x में जो बेस वाला x है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया. फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पावर वाला x है उसको कांस्टेंट मान लेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगर x टू द पावर x में पावर वाले x को आप कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर a x इंटू x टू द पावर a माइनस वन. ठीक है, तो अगर मैं x टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x बाई एज्यूमिंग कि ये वाला जो x है वो कांस्टेंट है, तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा? मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा, मैं लिखूंगा x इंटू x टू द पावर x माइनस वन. ठीक है, और इन दोनों के बीच मैं प्लस का साइन लगा दूंगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर x log x प्लस x इंटू x की पावर यहां क्या है, वन है, x की पावर यहां पे x माइनस वन है. ठीक है, यहां पे देखो x की पावर वन इंटू x की पावर x माइनस वन. जब बेस क्या होता है सेम होता है तो उनकी जो पावर्स क्या होती हैं वो ऐड हो जाती है. तो पावर्स अगर ऐड होंगी तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर वन प्लस x माइनस वन. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा
और क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स। इसको और अगर से हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। दिस इज योर राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाय यूजिंग मेथड वन वी कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स और वी कैन डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये मेथड वन है जिसकी सहायता से हम लोग वन लाइन में इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं मेथड टू की बात करूं, ये सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर मैं मेथड टू की बात करूं तो मेथड टू से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मेथड टू की मैं बात करूं, यहां पे लिखेंगे मेथड टू। ठीक है, देखो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x कैलकुलेट करना है। यानी एक फंक्शन दिया है x टू द पावर x, उसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को मैं y मान लूंगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फंक्शन को मैंने y मान लिया और दोनों तरफ मैं log ले लूंगा। मैं अगर log ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, एक चीज और पढ़ रखा है कि जैसे मान लो लॉगरिथम में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, ऐसे लिखा हो log x टू द पावर m, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m log x लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा यहां पे, फिर बताओ log y हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x log x। ठीक है, ये मिल गया हमें log y की वैल्यू x इंटू log x मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो मिला है हमें, जो एक्सप्रेशन मिला है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई y इंटू y को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x इंटू log x। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, हमें दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन दिया है। पहला फंक्शन कौन सा हो गया, पहला फंक्शन ये है x और दूसरा फंक्शन ये है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया है और हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक्स इंटू, अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। तो यहां पे लिखेंगे वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करके अगर हमें लिखें तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसको और सॉल्व करके लिखें तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगी। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, यहां पे वाई की वैल्यू एक्स टू द पावर एक्स दी हुई है। ठीक है, तो दोनों तरफ y, जहां जहां भी y दिखे वहां पे x टू द पावर x हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x टू द पावर x
वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो मेथड वन में जो आंसर आया था, मेथड वन में क्या आंसर आया था, मेथड वन में x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x आया था आंसर, यही आंसर मेथड टू से भी आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। ये मेथड टू हो गया, थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन इस मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेथड थ्री की मैं बात करूं, अगर मैं मेथड थ्री की बात करूं तो मेथड थ्री से मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, यहां पे मेथड थ्री लिखेंगे, ठीक है। मेथड थ्री से हम मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, मेथड थ्री को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे मैं अगर लिखता हूं ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्स होती है। अगर मैं लिखूं ई लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर होती है। यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, यहाँ ए, यहाँ ए, ठीक है। तो अगर एक्स दिया हुआ हो तो हम एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज दी हुई हो तो इसको हम लोग, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये चीजें आनी चाहिए आपको मेथड थ्री से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स कैलकुलेट करना है, यानी एक्स टू द पावर एक्स एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वाई मान लूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, मान लिया। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने कहा कि x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और x स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, x टू द पावर x को कैसे लिखूंगा, x टू द पावर x को मैं लिखूंगा e टू द पावर log बेस e x टू द पावर x, ठीक है। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है इस, ठीक है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x log x, हो जाएगी या नहीं, ये हाँ, ये किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, ठीक। अब क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हमें अगर डिफरेंशिएट करना है, हमें जैसे मान लो यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो हम जानते हैं ये क्या होता है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ ये x, ठीक है। तो ये क्या होता है, e टू द पावर x इनटू 1, यानी e टू द पावर x इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसको करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा e टू द पावर x log x into d by dx of d by dx of, बताओ क्या हो जाएगा, x log x, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब e टू द पावर x log x को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, इसको ये x क्या हो जाएगा, इस x का पावर हो जाएगा, और सिंपली मैं x टू द पावर x इसको लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा x टू द पावर x इंटू, अब d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x है, तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को, या डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है, x d by dx of second function log x plus second function log x d by dx of first function, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x टू दी पावर x 1 प्लस log x। कैसे आ जाएगी? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ log x की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई x होती है, x एक्सिस कट जाएगा तो यहां पे 1 आएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है, तो इसकी वैल्यू x टू दी पावर x 1 प्लस log x आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। d बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो किसी भी मेथड से करो आप, मेथड 1 से करो, मेथड 2 से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो मेथड 2 में भी आंसर क्या था, x टू दी पावर x 1 प्लस log x था, और मेथड 1 में भी x टू दी पावर x 1 प्लस log x था, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सहायता से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और जो मेथड नंबर 1 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी सहायता से आप एक लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर रेडियस जी यूट्यूब चैनल।